प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज। दोस्तों आज हम आए हैं सिकंदरा राव से 5 किलोमीटर दूर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग अलीगढ़ पर अरनोट गांव में। इस गांव की एक विशेषता रही है दोस्तों कि यहां पे आपको जिस प्रजाति के आम चाहिए वो आपको यहां पे मिलेंगे, और दूर दूर तक आपकी नज़र जहां तक जाएगी वहां तक यहां पे सिर्फ आम के बाग ही बाग चारों तरफ आपको नज़र आएंगे। ये प्रकृति की गोद में एक सुंदर सा गांव है। चारों तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखेगी, और अब मैं आपको बाग का सीन दिखाता हूँ। अभी ये यहाँ पानी है क्योंकि आम के बागों में पानी भी लगता है, तो ये ट्यूबवेल अब हम इसे पार करते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैंने पार कर दिया उसे आराम से, और हम बाग के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आम है, आम के पेड़ हैं, इन पर आम नहीं आए। इधर देखो आम आ रहे हैं, देखें आप रोड से। अब हम बाग के अंदर चलते हैं। बाग के अंदर ये जो काले जो पेड़ों का जो रंग है, जैसे ये काले, इसका मतलब ये है कि इस पे आम आ रहे हैं। इस बार देखो इधर आ रहे हैं, और जो नए पत्ते, जितने भी ऐसे ग्रीन पत्ते बिल्कुल एकदम टोटल कलर, वो जो जिन पेड़ों का रंग है, समझ लो उन पे इस साल आम नहीं आएंगे, उन पे अगली साल यानी 2022 में आम जरूर आएंगे। क्योंकि इन नए पत्तों वाले आमों के पेड़ों पे पिछली साल ही आम आए हैं, इस कारण इस बार पौध में आम नहीं आएंगे। और ये जो पेड़ है, जैसे ये बीच में तीन पेड़ों के बीच में ये जो काले कलर के पत्ते हैं, यानी डार्क ग्रीन है, इन पे आम आ रहे हैं, और डार्क ग्रीन वाले पेड़ पे अगली साल आम नहीं आएंगे। वो कुछ इस तरीके से होगा, ये तोतई कलर वाला जो आम है इन तीनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको आम की हर प्रजाति मिलेगी, चाहे वो लंगड़ा हो, देसी हो, चौंसा, कलमी, फजली, दशहरी, तुकुम, गोला दशहरी, और उस पर गोला एक अचार के लिए आता है स्पेशली, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हम बाग के अंदर चलते हैं। बाग में आपको मैं बहुत ही सुंदर प्रकृति के करीब पहुँचने का नज़ारा दिखाऊंगा। ये माध्यम है भक्त और भगवान के मिलन का। हाँ, भक्त और भगवान के मिलन का ये माध्यम है। आप यहाँ की शांति में अपने मन को केंद्रित करके अपने इष्ट देवता ध्यान रख सकते हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, मन को सांत्वना मिलेगी और शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगी। आप यहाँ पर इसकी खूबसूरत वादियों में खो जाएंगे। आपका मन यहाँ से सुबह से शाम तक जाने को नहीं करेगा, और ऐसे ही बाग ये पूरे गांव में लगभग 2 किलोमीटर की रेंज में हैं। 2.5 किलोमीटर लगभग गांव की जो चौड़ाई है उसमें मिलेंगे आपको। चारों तरफ आम के बाग ही बाग मिलेंगे आपको। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर थोड़ा सा आम पेड़ों पे आते हुए लदे हुए, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ इस तरीके से ये नज़ारा मिलेगा आपको। इधर यहाँ पे ये इधर देखो, और ये इधर। अब मैं चलता हूँ बाग के माली की तरफ, क्योंकि हर एक बाग में माली का होना अति आवश्यक है। माली का काम सिर्फ ये है कि गांव में बंदर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे रखाने पड़ते हैं। वानर सेना, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त वीर बजरंग बली की वानर सेना यहाँ पे बहुत ही नुकसान करती है, सो बंदरों के कारण
आम का आम के पेड़ों पर जो आम लगे हुए हैं उनमें बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा जूम इधर दिखाऊंगा नज़ारा इधर पेड़ों के नीचे का। ये पत्ते गिरे हुए हैं, ये देसी खाद प्राकृतिक रूप से अपने आप बन जाएगी कुछ समय बाद, क्योंकि पानी लगता रहता है टाइम टू टाइम, तो अलग से कोई आपको खाद लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। साल भर सिर्फ पानी देना है आम के पेड़ों में। और अब हम चलते हैं माली की तरफ। ये देखो यहाँ पे ये माली बैठे हुए चारपाई पर, और देखो ये दोनों माली हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। और पूरे बाग में से जितनी आम मिले यानी पेड़ों से जितने भी आम गिरे वो यहाँ पे इन्होंने कलेक्ट कर रखे हैं। और ये दोनों आपस में गुफ्तगू हैं। मैं मोर की आवाज़ आ रही है, मैं आपको मोर के भी दर्शन कराना चाहूँगा, क्योंकि प्रकृति में यहाँ पे हर चीज़ संभव है। प्रकृति और पुरुष के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। ये आम के पेड़ से उड़ गया मोर, क्योंकि मोर मनुष्यों को देखकर वो रुकते ही नहीं है। और दूसरा भी बैठा है, दूसरा भी उड़ गया। सो इसीलिए आप अपने भगवान जी का ध्यान रखने के लिए, प्रकृति के करीब होने के लिए, अपने फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन के लिए सो प्लीज सेव पीपल, सेव ट्री, सेव लाइफ। थैंक यू दोस्तों।